अब गप शप करते करते उन्हें जो हथियार रहा उसे गोली मार दिया, तो वही धराशायी हो गया। उस भट्टा पर के सारे लोग उसके गवाह है, पैदल ही गया था। इस वक्त की बड़ी खबर अरवल जिले से है, जहां पुलिस से बेखौफ अपराधियों ने पुलिस को चुनौती देते हुए एक बार फिर से जिला मुख्यालय में तांडव मचाते हुए ईट भट्टा संचालक को दिन दहाड़े गोली मारकर निर्मम तरीके से हत्या कर दिया। मामला अरवल जिले के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड नंबर 1 अहियापुर गाँव की है, जहाँ अहियापुर गाँव निवासी ईट भट्टा संचालक 40 वर्षीय श्याम किशोर शर्मा को दिन दहाड़े अपराधियों ने निर्मम तरीके से गोलियों से छन्नी कर हत्या कर फरार हो गए। मिली जानकारी के अनुसार आपसी रंजिश में वर्चस्व कायम करने को लेकर पूर्व में भी कई बार गोलीबारी की घटना का अंजाम दिया जा चुका है और मामला नगर थाने में दर्ज होने के उपरांत अपराधी को पूर्व में भी जेल भेजने के काम पुलिस के द्वारा किया गया है। घटना की सूचना मिलने के उपरांत सदर थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और ग्रामीणों के सहयोग और ईंट भट्टा पर कार्य कर रहे मजदूरों के सहयोग से इलाज के लिए अरवल सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने जांच उपरांत मृत घोषित कर दिया। सूचना पाकर अरवल एसपी मोहम्मद कासिम और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राजीव रंजन अरवल सदर अस्पताल पहुंचे और परिजनों से पूछताछ उपरांत गांव में कैंप कर जगह जगह पर अपराधी की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी अभियान चलाने का काम पुलिस के द्वारा की जा रही है। एसपी मोहम्मद कासिम ने बताया कि ईंट भट्टा संचालक अपने गाँव के पास अपना भट्टा पर कार्य कर रहे थे, तभी गाँव के ही एक युवक सीने में गोली मारकर सोन नदी दियारा के रास्ते फरार हो गए, जिससे उनकी मौत हो गई। परिजनों के बयान पर चंदन कुमार नामक युवक के विरुद्ध प्राथमिकी नामजद दर्ज की गई है। पहले भी मृतक पर गोलीबारी मामले में अपराधी जेल जा चुका है, जिसकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस लगातार जगह जगह पर छापेमारी अभियान चला रही है और जल्द ही पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किए जाने की बात कही जा रही है। लेकिन जैसे ही घटना की सूचना आसपास के लोगों को मिली तो देखने वालों की हुजूम अरवल सदर अस्पताल में उमड़ पड़ी। इस मामले को लेकर एसपी ने अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए वांटेड घोषित कर एक विशेष टीम की गठित की है, लेकिन अभी तक अपराधी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। पुलिस घटना के बाद गांव में कैंप कर रही है। इस मामले को लेकर नगर थाने में मृतक के पुत्र के बयान पर प्राथमिकी भी दर्ज कर ली गई है और शव को सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। एक आम के पेड़ में पानी पटा रहे थे, चंदन उनके गांव का एयापुर का गया था, गपशप कर रहा था। उसके उनको डाउट नहीं हुआ कि मेरे साथ किस तरह की घटना करेगा, तो वो अपने पानी पटाते रहे और गपशप करते करते उसने पिस्टल से अपने जो हथियार रहा उसे गोली मार दिया, वही धराशायी हो गई। उस भट्टा पर के सारे लोग इसके गवाह पैदल ही गया था और फिर कुछ लोग पकड़ना चाहे खदेड़ के तो उनके निकल गए, ठीक भागने में सफल रहा। बाकी चीज़ें बताएंगे रेस्टिंग सर नहीं किसी की बात, बाकी ये बात बताएंगे।